न्यू यूट्यूब व्लॉग और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज ईद का पहला दिन है और मैं असरार मुबीन और असरार जा रहे हैं सांगला हिल हनान से मिलने, तो देखते हैं क्या कन्नियों में फोन वगैरह वो बड़ा बड़ा फोन वगैरह आपको पता है जब भी हम निकले ऐसे ही निकले हैं और बस अल्लाह की शुक्र जा ही रहे हैं। कितने बताने यार कटिंग करनी है गलती से वो नहीं कि गलती से पूरा स्लिप हो जाना ना, हम नहीं बताना चाह रहे किसी को। चले ठीक है भाई, मेरे पास बैटरी कम है, जब हम सांगले की तरफ रवाना हो गए छोटी 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 क्लिप करे ना बताएंगे ये कैसे फिर हम जाकर जाते हुए बताएंगे। ठीक है ओके। मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हाफिज के घर वाले, देखो मानते कि नहीं मानते साग भेजने कोई पता नहीं भाई अंदर गया हुआ है और देखो भाई वेटिंग पे लगे हुए भाई, गर्मी बहुत ज्यादा और सफर भी मतलब एक दो घंटे का सफर है, तू भी तय करना और वापस भी करनी है तो क्या तो कल और भी जाना है। एक घंटे के बाद घर वाले मान रहे हैं तो अब फाइनली मान चुके हैं, तो अब वो देखे वो आ रहे हैं। अब हमने भाई गाड़ी चलानी शुरू कर दी है, अब उसके बाल सामने रोक लिया यार खुदा की कसम से, ये लड़कियों वाला हिसाब है यार इसका, सेम टू सेम लड़कियों वाला हिसाब है, एक माना नहीं दूसरा, चल एक मार जा चले। तो ये अब भाई हमारा सफर शुरू हो चुका है सांगली की तरफ। पहले हमने कहा था यार घर वालों को नहीं बताना, लेकिन हमने कहा नहीं यार सफर दूर का है और घर लाजमी बता के जाएं, क्योंकि सौ मसला वगैरह बन जाए तो घर वालों को पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है। तो आगे की वीडियो हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभी तक एक घंटे बाद मिले हैं इसके घर वाले माने, तो भाई बहुत पसीना आ चुका मैं। मिले चौक पहुंच गए, लेकिन मिले चौक पे मौसम जरा ऐसा हो गया जब यहाँ पहुंचे बारिश वाला मौसम बन गया, देखो क्या बनता है। वहां करा तो बारिश ना पड़े, क्योंकि यार काफी लोग कुर्बानी कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल ही बन सकती है और मुश्किल ज्यादा हमारे लिए बन सकती, क्योंकि हमने सफर भी काफी दूर का करना है, कोई बाइक पे करना है। भाई हमारा सफर निशाताबाद के आगे तक पहुंच गए, कल आप जा रहे हैं लाहौर, लाहौर की तरफ जाएंगे फिर उसका हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे। हमारी गाड़ी की पंचर हो गई है असरार भाई की, जहाँ पे असरार और हाफिज थे इन दोनों कराई है जामे वालों कट, और जामे वाले ने उनको बताया भाई आपकी गाड़ी पंचर हो गया पंचर हो जाए उसके बाद आपको बताया। तो भाई मैं और मुबीन साहब पीछे थे, फिर आपने गाड़ी चला के आ गए हैं, तो यहाँ पे आए और भाई को कहते सुन रहे हो मौसम बहुत खराब हो रहा है। ये दो भाई आपका नाम क्या है, क्या नाम है तुम्हारा? सलीम। सलीम और आपका? सुहेब। कौन सा पेंड है ये, गांव कौन सा? 12। सही हो गया सही है भाई। इसमें मछली है भी है तू? नहाने को दिल कर रहा भाई, पानी होना ठंडा ही है, पानी ठंडा ही होता भाई। ये भाई हम गांव में इस टाइम खड़े हैं और ये हमारी गाड़ी पंचर और बढ़िया, और उस भाई ने लगाना मैं, और ये देखें उसके घर से कॉल आई हुई है और बहाने लगा रहा अच्छे वाले, वो अच्छे वाले बहाने लगा रहे घर में पकाने चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये हमने भाई ये कैच कर लिया वीडियो में आपको, इसके हमने बनाना ये इश्तिहारी बंदा है इससे भाई बच के रहे। कौन है तू भाई? फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे हैं गांव में, अभी पंचर लगवा रहे हैं तो अंधेरी भाई फुल तेज आने लगी है, तो अभी आगे हमने 30 किलोमीटर का सफ़र करना है, तो दुआ करो तो अगर हम पंचर सही से, क्योंकि गाड़ी पंचर हो पड़ी है भाई, पंचर लगवा रहे हैं, पंचर लगवाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे तो फिर कुछ होगा, अभी तो अंधेरी बहुत तेज है। ओके लो फिर सब तक के लिए।
हो रही है और रास्ते में और हमारे पास मोबाइल रखने की भी जगह नहीं बची क्योंकि हमारे पास वो शॉपर नहीं है और वो हमारे दोस्त आगे जा रहे हैं बाइक पे और हमारी दुआ यही है कि भाई जल्द से जल्द हम वहाँ सांगले तक पहुँच जाए। तो भाई हम संग्रहल में अंडर हो गए हैं, चल जरा अंडर हो ना। ये देखें भाई हम संग्रहल में अंडर होने वाले हैं 2 मिनट तक। ये देखें सामने बोर्ड जैसा लगा ना ब्लू कलर का, ये संग्रहल का संग्रहल की एंट्री का निशान है। तो इसके अंदर जब हम एंटर हो गए तो इसके बाद आपको बताएंगे। हम हमारी एंट्री हो चुकी है, हम संग्रहल और वो मामू खड़े हमारे। चल 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 चल। कैसा लग रहा है सांगले में आके? सांगले में भाई एंट्री हो गई। भाई हम पहुंच गए हैं सांगले में। तो ये दोस्तों के साथ अभी यहाँ से हम देखे थोड़ी देर निकलेंगे की तरफ। इनको ना मैंने नलके का पानी पिलाया और चौंस विदाउट बर्फ ही था भाई, जिंदा था तो भाई बर्फ डाल दो क्या, बर्फ डालने के बगैर ही हार्ट ठहर रहे थे इसके अंदर। ये भाई हम खाड़ी के पास पहुंच गए हैं, यहाँ से आप पहाड़ी कश्ती है लेकिन भाई आज हम चढ़ेंगे पहाड़ी को बैक साइड से। ये पहाड़ी है काफ़ी बड़ी है यार, और ये दोस्त हमारे पीछे ही आ रहे हैं और वो वीडियोस बनाने बैठ गए हैं यार। तो पहाड़ी चढ़ेंगे जहाँ से हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि सीढ़ियों से भी चढ़ सकते थे लेकिन यहाँ से हम ट्राई करेंगे, पहली दफ़ा ट्राई करने लगे हैं। तो वो देखो पीछे आ रहे हैं सारे, आज मेकिंग पता चला कि मेकिंग कितनी कितनी। चले अब यहाँ से चढ़ते हैं क्योंकि सीढ़ियों से काफ़ी दफ़ा चढ़े हैं, आज बैक साइड चढ़ेंगे। ये देखें हो चुका पीछे पीछे पीछे, ये देखें ये देखें भाई लोग, ये देखो सभी आ रहे हैं। अभी ये हिल का व्यू हम ले रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, चेक करो। ये देखे मैं भी ऊपर चढ़ रहा हूँ, इधर से मैं बैक से उधर जाना मैंने, चेक करो। तो ये इसे ऊपर से व्यू है, ये देखे कश्ती
चेक करो यहाँ तक इनकी मत बच गई है, चेक करो। ये भाई कह रहा था मैं थकूंगा नहीं, मैं फुल पौड़ियाँ चल सकता हूँ, सीढ़ियाँ चल सकता, सॉरी। तो यहाँ से देखते हैं, चेक करो गाइस, लाइन से आते हुए हाफज की पहली मत बच चुकी है। अमीन साहब ये जो फूल अपने से बहादुर बनते थे, हम अभी भी तैयार हैं। चेक करो, फूल थके हुए मस्ती माहौल में आ रहे हैं। ये देखो इनको भी मैंने थकाना है, पूरा थकान महसूस ये करें, फिर मैं लेके जाना घर, वरना नहीं जा रहा। चेक करो अपनी मस्ती मगन आते हुए। ये अभी इतना ऊपर आए हम, और भी दिखाते हैं अभी आपको ऊपर जाके। ये जा रहे लोग, फर्स्ट पोजीशन ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है हिल पे चढ़ने के लिए। भाई चढ़ो चढ़ो चढ़ो, तुसी कहते मैं सीढ़ियाँ सारी, मैं चढ़िया ना, चढ़ो चढ़ा वहाँगा। चेक करो भाई, थंबनेल लिया है, चलो चलो तुम भाई लोग फुल फकिंग की मत बच चुकी। चेक करो कैसे चल रही है, देखो अभी तो पोजीशन स्टार्ट हुई है। चेक करो भाई, आप साहब जो कहते थे हम हिम्मत ना हारेंगे, जनून से। चलो चलो भाई, हिलके प्योर पीछे से आइए, फुल पीछे से आइए नजारा। ओए मैं किधर चढ़ना, ओए इधर से आ, यहाँ से ले, इधर आ मेरे पीछे पीछे आइए। चल 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 ऊपर चल। बाबा जी फुल थक चुके हैं ये लोग, अरमान के काम चेक कर। अरमान ध्यान से यार, आप कहाँ पे गया, आप ऊपर आ गया, बंद लगा रहा जल्दी का जल्दी, दोनों से गप पकड़। बताते हैं सर अभी आपको, हाथ फाड़ लो, चल चलो चलो स्टेप रख गया, उत्ते पत्थर फा, इधरों इधर एक पत्थर फा रहा है वाला, चुंज फार पूरी मजबूती ना भार पा के आया। हाँ वापसी भी लाना तेन, मैं तेन वापसी भी लाना मैं ना। चेक करो भाई कितना ऊंचा आ गया भाई, इधर इधर से जाना, हमने हमने जाना इधर से, प्रैंक हो गया, फूल ऊपर जाना, यहाँ से नहीं जाना, सरार तो आ गया, बढ़ गया भाई। हाफिज इधर से आई आ रहे हैं ऐसे, इधर से वो आगे तेरे बना हुआ है। हाँ फिर उससे जाना था, ये पहले जर्गिन के साथ प्रैंक हो गया, मैंने सही ये था, ये ऊपर पंचायत फूल तो ये पीछे बहा नहीं रहे, तो जीता कौन चाहे बिन इधर। ये हाफिज साहब कहाँ पे हैं, ये सरार साहब हैं, आप उसकी इधर, ओ ऊपर कहता मैं बहुत सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, हैं बहुत ज़्यादा चढ़ता हूँ, चलें अब सरार साहब को देखो, चेक करो भाई। ओ आपका भाई मैं दिखाता हूँ, इस रास्ते से हम ऊपर, ये मेरे से आ रही है, चैलेंज मैंने एक्सेप्ट की, भाई मैं भी सही आया हूँ, मैं भी सही आया हूँ, इनके साथ प्रैंक हुआ अम्बीन और मांग के साथ। आप साहब जो कहते हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, चेक करो ओ भाई आप बातें करने वाले रह गए लोग, कहते दुकान में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहाँ पे भाई एक पहाड़ ही चढ़ी गई यार, अल्लाह माफ करे। हम सांगला हिल की सबसे ऊपर पहाड़ी पे चढ़ाए हैं, और वो भी बैक साइड से चढ़े हैं, और फ्रंट से नहीं चढ़े, फ्रंट से सीढ़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन इस बार हमने कहा कि नहीं यार पीछे से चढ़ेंगे, और ये देखें सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, चैलेंज किया था हमें तो इसलिए चैलेंज तो पूरा करना पड़ना था, वापसी जाना भी पीछे से, वो झूले वगैरह लगे हुए हैं ईद की वजह से। ये हम लोग ना पहाड़ी से वापस आ गए हैं, जा रहे हैं ये हम लोग भाई घर पहुंच गए हैं सांगले घर, तो अब यहाँ से जब हम फैसला पर पहुंचेंगे उसके बाद ही आपसे रब्ता करेंगे। बहुत अला ट्यूनिंग भाई, टर्मिनल क्लिक कर दो भाई, ये कुल्फी खाते हुए बहन की कब्र पे दुआ मांग ली है, नानों की कब्र से भी हो गए हैं, और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ रवाना। तो ये अब हम कब्रिस्तान से आगे निकल आए हैं,
और हमारे जो दो दोस्त हैं वो काफ़ी आगे चलेंगे, काफ़ी हद तक आगे चलेंगे। अब हम उनके सारे भी मिलेंगे तो आपका व्लॉग हम सिर्फ आपको फैसलाबाद पहुँच के ही दिखाएंगे। हम फैसलाबाद पहुँच गए और आपके सफर के लिए 4:40 पे हम भाई यहाँ सांगला हिल से निकल आए हैं रोड पे रवानगी के लिए। इंशाल्लाह 5:30 या 6:15 हम फैसलाबाद के अंदर एंटर होंगे इंशाल्लाह।